हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आईटी प्लेनेट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल क्रोम की कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गूगल क्रोम एक सिर्फ ब्राउजर ही नहीं है, आजकल हर कोई गूगल क्रोम का यूज कर रहा है। तो ये गूगल क्रोम का अगर वो सिर्फ एज अ ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा यूज उसका नहीं कर रहे। गूगल क्रोम जो है वो ब्राउजर के अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि गूगल क्रोम में और कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स है और कौन कौन सी ऐसी टिप्स है जिनका हम यूज करके स्मार्ट यूज कर सकते हैं हमारे गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल क्रोम एक कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। तो आप देख सकते हो मैंने मेरे कंप्यूटर से गूगल क्रोम खोला है और ये गूगल क्रोम का एड्रेस बार है। इस एड्रेस बार में ये एक इनबिल्ट कैलकुलेटर की तरह काम करता है। अगर इसमें आपको सपोज आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो और सडनली आपको क्या करना है कि कुछ कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाके कैलकुलेटर खोलोगे या अपने मोबाइल फोन के कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करोगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, गूगल क्रोम आपको कैलकुलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके सर्च ब्राउजर में ही, यानी उसके URL में ही। अगर वहीं पे अगर आप टाइप करते हो, सपोज मुझे कैलकुलेशन करना है 500 + 895, सिर्फ आपने इतना टाइप करना है और गूगल क्रोम जो आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा, 1395 इज द आंसर। आप सिर्फ एडिशन ही नहीं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, 60 मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करना है, 60*3, तो 63 होता है 180। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको पूरा कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, जो कि एक कैलकुलेटर आ जाएगा और यहाँ से भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो इजीली। तो ये था फर्स्ट ट्रिक गूगल क्रोम का। दूसरा ट्रिक जो बता रहा हूं मैं कि गूगल क्रोम जो है वो आप एज अ ब्राउजर भी यूज कर सकते हो। एज अ ब्राउजर मतलब कैसे कि सपोज मैंने अगर इसे थोड़ा मिनिमाइज कर दिया साइड में और आपके पास कोई वीडियो फाइल है तो वो एक वीडियो प्लेयर की तरह काम करेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक वीडियो है मेरा और इस वीडियो को आपने सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करके एड्रेस बार में आके छोड़ना है और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी है, तो वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप वीडियोस प्ले कर सकते हो और तो और आपको उसमें यहाँ पर कंट्रोल बटन्स भी मिल जाते हैं, ऑडियो कंट्रोल है और मैक्सिमाइज करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए और प्ले करने के लिए बटन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में। और तो और किसी ये एक इमेज व्यूअर की तरह भी काम करता है, यानी आप किसी इमेज को भी इसमें व्यू कर सकते हो। बस इमेज को पकड़ना है और यहाँ पे एड्रेस बार में लाके उसे ड्रैग करके छोड़ देना है और एंटर की प्रेस करनी है, तो वो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे अलग अलग इमेजेस लाके दिखा रहा हूँ, और एंटर दबाना तो वो इमेज आपको शो करेगी। मतलब गूगल क्रोम एक ब्राउजर भी है, एक कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है, एक वीडियो प्लेयर का भी काम करता है और इमेज व्यूअर का भी काम करता है। और तो और ये पीडीएफ रीडर का भी काम करता है, मतलब आपको अलग से पीडीएफ रीडर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल है, मैंने इसे ड्रैग करके बस यहाँ पे छोड़ दिया और एंटर की प्रेस कर दी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल जो है मेरी, वो पीडीएफ फाइल भी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो एक मेरा एक सर्टिफिकेट था, मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको, एंटर की प्रेस करके ये देख सकते हैं, ये भी एक सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे एक सपोज एक बुक है पूरी, तो इसे थोड़ा रीड होने में टाइम लगेगा, ये देखो ये पीडीएफ फाइल, ये भी ओपन हो चुकी है यहाँ पर। मतलब गूगल क्रोम जो है एक पीडीएफ रीडर की तरह भी काम करता है। चलो अभी हम बात करते हैं बुक मार्क्स की। सपोज गूगल क्रोम पे अगर आपको कोई वेबसाइट है उसमें बार बार काम करना है तो आप उसे बुक मार्क करके रख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी एक एजुकेशनल वेबसाइट है, उसे बुक मार्क करके रखा है, व्हाट्सएप को बुक मार्क करके रखा है, सिस्को वेबएक्स स्कूल की वेबसाइट है, यहाँ पर एक वीडियो डाउनलोडर की वेबसाइट है, सीबीएसई की और एक वेबसाइट है। अगर मैं किसी न्यू टैब में खोलता हूँ और यहाँ पे सीबीएसई की साइट पर क्लिक करता तो डायरेक्ट वो साइट मेरे सामने खुल जाए, क्यों, क्योंकि मैंने उसे बुक मार्क करके रखा है। ऐसे ही अगर आपको कोई वेबसाइट पसंद आती है और आपको उसमें अलग बार बार काम करना है तो उस वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो, बुक मार्क करके रख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक लॉग इन टू दीक्षा, तो ये एक वेबसाइट है, एक वेब पोर्टल है जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है, तो इसे भी मैंने बुक मार्क करके रखा है।
तो ये कैसे करके रखना है बुकमार्क। सपोज आपको कोई वेबसाइट है वो आपको पसंद आई है, सपोज मैंने व्हाट्सएप भी यहाँ पे बुकमार्क करके रखा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेजिंग वेबसाइट्स और कुछ सर्च कर देता हूँ मैं गूगल पे, और चलो देखते हैं यहाँ पर अमेजिंग वेबसाइट्स एक ब्लॉग है किसी का। सपोज ये ब्लॉग मुझे बुकमार्क करके रखना है, तो इस ब्लॉग को मैं बुकमार्क कैसे करके रखूंगा, बहुत एक सिंपल ट्रिक है, शॉर्टकट कंट्रोल डी है, या फिर आप थ्री डॉट्स पे जाना है, यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट्स, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको बुकमार्क्स। ये रहा बुकमार्क्स ऑप्शन, और बुकमार्क्स जाने के बाद आपने ऑप्शन चूज करना है बुकमार्क दिस टैब एंड शॉर्टकट इज कंट्रोल डी करके आप बुकमार्क कर सकते हो। और अब यहाँ पे नेम देना है, सपोज मैंने यहाँ पे नेम दिया XYZ, या फिर आपको जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट से रिलेटेड माय फेवरेट वेबसाइट, इस तरह से कुछ नेम दे सकते हो, और डन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो मेरा बुकमार्क बार फुल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आगे यहाँ पे एरो है इससे एक्सपैंड हो जाएगा, तो मैंने जितनी भी वेबसाइट्स बुकमार्क करके रखी वो सभी यहाँ पर आ चुकी है, और ये लास्ट में XYZ, तो कभी भी मैं आऊंगा XYZ पे क्लिक करूंगा वही वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये था बुकमार्क करने का तरीका। अब दूसरी बात करते हैं हम पिन, पिन ऑप्शन क्या होता है। सपोज यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने मेरे यूट्यूब चैनल को पिन करके रखा है एक कॉर्नर में, मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है आपको उसी में बार बार काम करना है, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए उसी टैब पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आता है पिन, तो ये पिन करने के बाद ये वेबसाइट हमेशा यहाँ पर कॉर्नर पे ओपन रहेगी, मतलब जब कभी भी मैं आऊंगा और गूगल क्रोम खोलूंगा तो सबसे पहले वो वेबसाइट मतलब एक होम पेज की तरह सेट हो जाएगी गूगल क्रोम में, तो आप उस वेबसाइट को पिन कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। दूसरी बात करते हैं, जब हम कुछ सर्च करते हैं तो अलग अलग टैब में सर्च करना चाहिए, तो वो कैसे करना है। तो चलिए सपोज मुझे महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी चाहिए, तो जैसे ही मैं महात्मा गांधी सर्च करता हूँ गूगल में, तो गूगल मेरे बहुत सारी वेबसाइट्स के रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक विकिपीडिया की वेबसाइट आ चुकी है, दूसरी यहाँ पर है इंडियन एक्सप्रेस का कुछ आर्टिकल होगा उसके बारे में जानकारी है, और mkgandhi.org। अब ये हर एक वेबसाइट पे जाके मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो मैंने क्या करना है, हर एक वेबसाइट पर राइट क्लिक करके आपने करना है ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये देखिए यहाँ पे एक टैब में खुल जाएगा, फिर इसमें राइट क्लिक करके मैं करूँगा ओपन लिंक इन न्यू टैब, अगेन ओपन लिंक इन न्यू टैब। इस तरह से अलग अलग वेबसाइट्स को आप अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग टैब्स में ओपन करके यहाँ से कंपेयर कर सकते हो डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, कि इसमें डेटा क्या है, और जिसमें से इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है वो इन्फॉर्मेशन आप कॉपी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो। और तो और यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ, जो ये है कि सपोज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई एक पूरी वेबसाइट जो है आपको उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे आप आपके कंप्यूटर में एज अ पीडीएफ सेव करके रख सकते हो। सपोज यहाँ पर विकिपीडिया की भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसे मैं पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, देखो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब इसे मुझे एज अ पीडीएफ सेव करके रखना है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, तो आपने उस वेबसाइट पर राइट क्लिक करना है और प्रिंट ऑप्शन चूज करना है। प्रिंट करने के बाद अब देखो हमें तो प्रिंट निकालनी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें गूगल क्रोम एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि यहाँ पर है सेव एज पीडीएफ, प्रिंट जो डेस्टिनेशन है उसमें से चेंज करेंगे सेव एज पीडीएफ, और इसे हम करेंगे सेव। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद देखते हैं अब कौन कौन सी विंडो हमारे सामने आ जाती है, वो थोड़ा सा लोडिंग प्रीव्यू वगैरह थोड़ा टाइम लेगा सेव करने में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि पूरी की पूरी वेबसाइट को एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। तो ये थी कुछ गूगल क्रोम की ट्रिक्स, और एक लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, तब तक ये लोड हो जाएगा, मैं दूसरे टैब पे खोल के दिखाता हूँ आपको। आपने यहाँ पे सर्च करना है, ये एक अमेजिंग ट्रिक है, अमेजिंग सर्च फीचर है, डू अ बैरल रोल, ये सर्च करना है आपने डू अ बैरल रोल, तो आप देख सकते हो क्या हो गया, मेरे स्क्रीन पे गूगल जो है वो 360 डिग्री में रोटेट होके यहाँ पे मेरे स्क्रीन के सामने आ गया है। तो एक थोड़ा सा अमेजिंग फीचर आपके दोस्तों को आप दिखा सकते हो कि देखो इस तरह से मैं गूगल को भी घुमा रहा हूँ, गूगल की स्क्रीन को घुमा रहा हूँ इस तरह से कुछ। तो उसके लिए आपने गूगल सर्च में टाइप करना है डू अ बैरल रोल, और एक अमेजिंग सर्च फीचर है जो कि आप अगर आप सर्च करते हो गूगल पे, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर आप होली सर्च करते हो और यहाँ पे देखो ट्रायंगल शेप में कुछ कलर्स आ जाते हैं, इनको क्लिक करेंगे